हेलो एवरीवन, लास्ट एपिसोड में हमने आपको सैर करवाई थी काठमांडू नेपाल के 2 से 3 किलोमीटर के ट्रेवल टाइम पर घूमने के लिए 10 खूबसूरत प्लेसेस की। इस एपिसोड में हम आपको लुम्बिनी नेपाल, जो कि महात्मा गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस भी है, में घूमने के लिए टॉप 15 प्लेसेस के बारे में बताएंगे। मैं हूँ कैंपिंग ट्रेवलर इंडिया और ये है मेरी टॉप 15 प्लेसेस की लिस्ट लुम्बिनी नेपाल में घूमने के लिए, जो कि 3 से 5 किलोमीटर के छोटे से एरिया और 1-2 दिन में देखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 15 प्लेसेस टू विजिट इन लुम्बिनी की लिस्ट में नंबर 15 पर है माया देवी टेम्पल। ये लुम्बिनी में सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शुमार है। माया देवी टेम्पल सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जिसे गौतम बुद्ध के जन्म स्थल के रूप में भी जाना जाता है, जो कि टेम्पल पार्क के मैदान के बीच में स्थित है और इसे लुम्बिनी डेवलपमेंट जोन भी कहा जाता है। यह लगातार चलने वाला डेवलपमेंट वर्क ही इसे आकर्षण का केंद्र बनाता है। इसमें आप वो जगह भी देख सकते हैं जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। लिस्ट में 14 नंबर पे है बौद्ध वृक्ष। माया देवी टेम्पल के एकदम पीछे स्थित है बौद्ध वृक्ष, जो माया देवी तालाब के तट पर स्थित है। बौद्ध भिक्षु अक्सर पेड़ पर ध्यान लगाकर बैठते हैं। ये बौद्ध वृक्ष सदियों पुराना पीपल का एक पेड़ है, जो कि रंगीन प्रार्थना झंडों से सजा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रंगीन प्रार्थना ध्वज को बांधने से उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। नंबर 13 पर है माया देवी पॉन्ड या तालाब। लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के ठीक पीछे स्थित माया देवी तालाब, जिसकी आकृति चौकोर है और चारों ओर सीढ़ियां भी बनी हैं, ताकि आप वाटर लेवल तक पहुंच सके। यह तालाब पुष्पकरणी के रूप में भी जाना जाता है। यह वो जगह है जहां गौतम बुद्ध की माँ माया देवी स्नान किया करती थी। वास्तव में भगवान बुद्ध का पहला स्नान भी इसी तालाब में हुआ था। खास ओकेजन्स पर पवित्र स्थान की पूजा करने के लिए तालाब को तेल के दियों से रोशन किया जाता है। दोस्तों, नंबर 12 पर रखा गया है वर्ल्ड फेमस अशोका पिलर को। लुम्बिनी में अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के शासनकाल में 3rd सेंचुरी में बनाया गया था। सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के सम्मान में यह पिलर तब बनवाया था जब उन्होंने भगवान बुद्ध के जन्म स्थल का दौरा किया था और बौद्ध धर्म को भी स्वीकार किया था। यही वो बात है जो इस स्तंभ को कई मायने में खास बनाती है। नंबर 11 पर है लुम्बिनी म्यूजियम। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ सेक्रेड गार्डन के अंदर स्थित लुम्बिनी म्यूजियम में रिलीजियस मैनुस्क्रिप्ट्स, धातु की मूर्तियों, टेराकोटा, मौर्य और खुसाना राजवंश के सिक्के, लुम्बिनी का चित्रण करते हुए दुनिया भर के स्टैंप्स के साथ साथ लगभग 12,000 कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। लुम्बिनी अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान LIRI लुम्बिनी संग्रहालय के सामने स्थित है, जो कि सामान्य रूप से बौद्ध धर्म और धर्म के अध्ययन करने के लिए अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करते हैं। नंबर 10 पर हम आपके लिए लेकर आए हैं रॉयल थाई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। लुम्बिनी में रॉयल थाई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बौद्ध धर्म की प्रार्थनाओं के लिए समर्पित एक भव्य और आश्चर्यजनक वाट शैली में बना है, जिसे थाई मठ शैली भी कहते हैं। यह चमकता हुआ भव्य सफेद संगमरमर से निर्मित है और इसका नीला छत वाला मेडिटेशन सेंटर उत्कृष्ट वास्तु शैली और वास्तुकला का एक उदाहरण है। मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत डिजाइन और नक्काशी इस जगह को मस्ट विजिट
places in Lumbini banata. Top 15 places to visit in Lumbini ki list mein number 9, yani ki number 9 par hai, Sri Lankan Monastery. Ise Sri Lanka mandir ke roop mein bhi jana jata hai. Ya मॉनेस्ट्री एक खूबसूरत श्रीलंकाई बौद्ध कॉम्प्लेक्स है जो कि गौतम बुद्ध के जीवन और उसके महत्व के बारे में जानकारी देता है। इस शानदार मॉनेस्ट्री में कई रिलीजियस इवेंट्स और प्रैक्टिसेस, स्पेशली वो जो कि श्रीलंका में मानी जाती हैं, को देखने का मौका मिलता है। लुम्बिनी के ट्रेडिशनल मॉनेस्ट्री के नियमों का पालन करने वाले लोगों को ये थोड़ा अलग जरूर लग सकता है, हालांकि मकसद और शिक्षाएं लगभग समान हैं। यह गौतम बुद्ध के जीवन की एक झलक भी प्रदान करता है। लुम्बिनी में श्रीलंकाई मॉनेस्ट्री दो देशों को करीब लाने वाली स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम को दिखाती है। नंबर 8 पर है कंबोडियन मॉनेस्ट्री। लुम्बिनी में कंबोडियन मठ कलरफुल फैंटेसी और स्पिरिचुअलिटी का आलीशान कॉम्बिनेशन है जो कि इसे इस क्षेत्र में सबसे आकर्षक मंदिरों में से एक बनाता है। यह कंबोडिया के वर्ल्ड फेमस अंगकोर वाट टेंपल से मेल भी खाता है। यह मॉनेस्ट्री एक चौकोर रेलिंग से घिरा हुआ है। प्रत्येक में 450 मीटर हरे सांप हैं। बड़े परिसर में एक बाहरी दीवार है जो कि सुंदर और जटिल डिजाइन से ढकी है। तो नंबर 7 पर है म्यांमार का गोल्डन टेंपल। लुम्बिनी में म्यांमार गोल्डन टेंपल शहर की सबसे पुरानी संरचना है जिसे बर्मा शैली में बनाया गया है। यह मंदिर भगवान बुद्ध को समर्पित है। प्रभावशाली कानकोप के आकार का शिखर जिसे टेंपल ऑफ बागान के स्टाइल में बनाया गया है, इस पूरी संरचना को एक रेगुलर लुक देता है। भवन के अंदर 3 प्रार्थना हॉल हैं, एक लोकमणि पुल का शिवालय भी है। नंबर 6 पर है चाइना टेंपल झोंगुआ। झोंगुआ चीनी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, जिसे चीनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, लुम्बिनी में एक सुंदर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। प्रभावशाली संरचना वाला ये मंदिर पगोड़ा शैली में बनाया गया है और देखने में फेमस फॉरबिडन सिटी ऑफ चाइना के मंदिर से मिलता जुलता है। जैसे ही आप मंदिर में एंटर करते हैं, इसकी खूबसूरती आपके दिल को शांत और आनंद से भर देती है। नंबर 5 पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कोरियन टेम्पल देसुंग शाक्यसा, जिसे कोरियाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लुम्बिनी में एक बौद्ध मठ है। इस इंप्रेसिव स्ट्रक्चर को कोरियाई शैली की वास्तुकला में बनाया गया है और छत पर रंगीन चित्र दर्शाए गए। यहां पर स्टे एंड नाइट स्लीप की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ कम्युनिटी के लोगों के लिए, जहां 500 नेपाली रुपए में 3 मील्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। भिक्षुओं और तीर्थ यात्रियों से भरे आंगन में शांति और ताजगी का अनुभव होता है। नंबर 4 पर है मनंग समाज स्तूपा। उत्तरी नेपाल के मनंग समाज के बौद्धों द्वारा बनाया गया एक चौटन मनंग समाज स्तूप नेपाल के सबसे पुराने स्तूपों में से एक माना जाता है, जो कि 600 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध के जन्म के समय में बनाया गया। तो दोस्तों, अब बारी है नंबर 3 की। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर 3 पर वियतनाम फाट कुवोक तू मंदिर। लुम्बिनी में स्थित वियतनाम फाट कुवोक तू मंदिर उन कुछ आकर्षणों में से एक है जो वियतनाम और नेपाल के बीच संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपनी तीर्थ यात्राओं के दौरान बहुत से लोग इस मंदिर में आते हैं। यह निश्चित रूप से उन लोगों के लिए एक मस्ट विजिट प्लेस है जो कि लुम्बिनी में बौद्ध धर्म की ओर
आकर्षित होते हैं और बौद्ध धर्म में रुचि रखते हैं। नंबर दो पर है ग्रेट रिंग लोटस स्तूपा। लुम्बिनी में धार्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक है फ्राटे ड्रिंग लोटस स्तूपा और इसे जर्मनी के नारा फाउंडेशन द्वारा बनाया गया है। इमारत में एक खोखला मुकुट है जिसे आंशिक रूप से कांच से ढका गया है और जो अंदर बुद्ध प्रतिमा को प्रकट करता है। इस इमारत का निर्माण रिंपो की देखरेख और मार्गदर्शन में हुआ है। लुम्बिनी में ये स्तूप निश्चित रूप से देखने लायक है। नंबर वन पर है वर्ल्ड पीस स्तूपा। यह जापानी शांति स्तूप है जिसे वर्ल्ड पीस पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह 21st सेंचुरी का प्रारंभिक स्मारक है। यह शांति का प्रतीक लुम्बिनी में एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है जो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से जापानी बौद्ध द्वारा लगाया गया है जिसे एक सुनहरे रंग की मूर्ति के साथ साथ सफेद रंग से भी रंगा गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी 15 प्लेसेस की लिस्ट जिसे आप एक दिन या फिर 2 दिन के लुम्बिनी के स्टे के दौरान देख सकते हैं। ये सभी प्लेसेस 3 से 5 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर स्थित हैं और आप रिक्शा से या पैदल चलकर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो में वो सारी जानकारी मिल गई होगी जो आपकी लुम्बिनी की यात्रा के दौरान आपके काम आए। अगर आपका कोई सवाल है या कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं जरूर इसका रिप्लाई करूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।